नमस्ते बच्चों, आज का अध्यापन मैं शुरू करती हूँ व्याकरण का मुख्य पाठ समास से। आइए अब जानते हैं समास की परिभाषा क्या है। तो समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं, इस शब्द को हम पद भी कह सकते हैं। तो पहला पद या शब्द पूर्व पद कहा जाता है तथा इन दोनों समास से बना नया शब्द समस्त पद कहा जाता है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। तो समस्त पद के दो भाग होते हैं, जैसे राजा का पुत्र, तो राजा हो गया पूर्व पद, राजा पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद, दोनों को मिलकर के हो गया यहाँ समस्त पद राजपुत्र। यहाँ विभक्ति का लोप हो गया, तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विभक्ति से रहित दो पदों के मेल को भी हम समास कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि राजा का पुत्र, तो यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया और समस्त पद में आ गया क्या, राजपुत्र। तो इसी तरह से दस हैं जिसके आनन, तो दस हैं जिसके आनन, तो जिसके यहाँ लुप्त हो गया और दस और आनन मिलकर के दशानन हुआ। जस को प्राप्त, जस प्राप्त। इसी प्रकार घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो आइए अब हम जानते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समस्त पद के बारे में हम जान चुके हैं, अब इस समस्त पद को हम अलग अलग कैसे करेंगे। तो समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीताराम, समस्त पद का विग्रह होगा सीता और राम। सीताराम समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सीता और राम। इस प्रकार समास के कुछ भेद भी हैं जो मुख्यतः चार हैं। नंबर एक, तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास भी आते हैं। नंबर दो, बहुव्रीहि समास। नंबर तीन, द्वंद्व समास। नंबर चार, अव्ययी भाव समास। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, आइए अब हम जानते हैं। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं। पहला, संज्ञा और संज्ञा शब्द के मिलने से, जैसे दान में वीर, दानवीर। यहाँ दान भी संज्ञा है और वीर भी संज्ञा है। देश का वासी, देश भी संज्ञा, वासी भी संज्ञा, देशवासी। दूसरा है संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों से। तो संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के द्वारा कैसे बनता है, तो शरण में आगत। आगत यहाँ क्रिया शब्द है और शरण संज्ञा शब्द है, तो दोनों को मिलकर के क्या, कौन सा नया शब्द बना, शरणागत। इसी तरह से पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो इस प्रकार हैं। अब देखिए समस्त पद क्या है, दानवीर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, दान में वीर। जन्मांध, जन्म से अंधा। देशवासी, देश का वासी। यहाँ देशवासी, देशवासी समस्त पद है और विग्रह इसका करते हैं तो क्या होता है, देश का वासी समस्त पद है। अकाल पीड़ित, विग्रह हो गया इसका अकाल से पीड़ित। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ग्रामवास, ग्राम में वास। गंगा जल, गंगा का जल। जीवन साथी, जीवन का साथी। इस तरह से आशा है कि आप लोग को तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।